गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर स्कूल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज का ये छठे आज की जो ये वीडियो है वो छठी क्लास होगी, वो डे सिक्स होगा, यानी टोटल मिला के ये छठवीं क्लास है आप लोगों की। और फाउंडेशन कोर्स होने की वजह से मैं आपको पहले छोटे छोटे टॉपिक्स और उसके नाम का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बाकायदे आपको एक के बाद एक मैं क्या करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी फाउंडेशन में आपको सबसे कौन कौन सी चीज़ जाननी चाहिए, उसके लिए आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं। आप जो सेंटेंस पढ़ते हो उस सेंटेंस में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए आज की क्लास में ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस के टाइप्स होते कितने हैं। अभी तक जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जितने सारे लोग होंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो दो ही टाइप के क्वेश्चंस को पढ़े होंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन उतना नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। अगर उतना ही होता तो लोग कब से तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है, इंग्लिश का हवा क्यों बना हुआ है। तो देखिए, एकदम इत्मीनान से मैं कायदे से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा छोटा बेसिक मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप देखिए, आज के टॉपिक है जो जितना जानते हैं सब भूल जाइए। आप पहले ये जानिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, सेवन। कितने क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो सेवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वो कौन कौन सा है जरा आप समझने की कोशिश करिए। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होता है, सॉरी पहले ये नहीं, पहले आपको बेसिक से लेके चलता हूं। पहला जो क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग बोलते हो यस नो टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चंस, ये पहला है। ये जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप। इसको कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। और जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसका एक और नाम है, जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता है उसका एक और नाम है, और वो नाम क्या है तो जरा आप समझ लीजिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप याद रखें, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को ही आप बोलते हो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर रहेगा। जब इसको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा कि किसको कब क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, तब आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी इसकी, ठीक है। अब जरा जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसको दोस्तों बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये भी याद रखना है कि ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। अब जरा याद रखें, जो चार नंबर का क्वेश्चन आता है उसको बोलते हो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहेगा। अब जरा चलिए, अब जरा बढ़ते हैं हम अपने पांचवे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन आता है उसको क्या बोलते हैं, तो पांचवे क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्तों डबल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो इसको हम बोलते हैं डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, ये भी याद रखने की चीज है, ठीक है। डबल क्वेश्चन क्या कैसा चीज होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब जरा आते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन में, उसको दोस्तों बोलते हो, ठीक है, उसको बोला जाता है अल्टरनेट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं अल्टरनेट क्वेश्चन, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है अल्टरनेट क्वेश्चन, ठीक है। ये स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है, या ग्रामर में अगर इसका एरर पार्ट दिया जाए तो बहुत कम लोग को ये सॉल्व करने आता है, ठीक है। और ये जो सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है इसे क्या कहते हैं, तो ये तो ये जो सातवां क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि आज की ये जो क्लास थी, मैं जानबूझ के अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, और कोई भी चीज़ को जानने के लिए इंटरेस्ट का होना जरूरी है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के डे सिक्स में, वो लिखा गया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं? सेवन होते हैं। उन सातों क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जो एक लर्नर होगा, अभी आप लोगों ने अगर इंग्लिश शुरू की है कि हाँ इंग्लिश हम लोग पढ़े हैं इंटरमीडिएट तक, लेकिन आफ्टर इंटरमीडिएट हमारा जो बेस है और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमको एयरफोर्स देना है, नेवी देना है, एनडीए देना है, ठीक है, एसएससी देना है, तो कैसे देंगे? तो ये चीजें आप समझने की कोशिश करिए कि जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस के कितने क्या है, एक क्वेश्चंस के सारे टाइप्स हैं, ठीक है दोस्तों? ये याद रखना जरूरी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप इस नाम को बनाए रखें, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।